तो हाय गाइस, दिस इज़ मी ममता सचदेवा विद ऑल ऑफ यू। और आज मैं रीता होटल में अपने यहाँ आई थी, और एक्चुअली सिटी घूम के वापस आई तो मैं लेटी हुई थी अपने बेड पे, और मैंने सामने कर्टन के ऊपर एक इतना बड़ा कॉकरोच चलता हुआ देखा। एंड ऑनेस्टली आई गॉट वेरी स्कैर्ड। किसी तरह से हिम्मत करके मैंने उसको इस गिलास में बंद किया है। लेट मी शो यू। ओके, ही इज़ वॉकिंग हेयर एंड देयर। कैन हैव अ लुक। ये दिख रहा है आपको चलता हुआ कॉकरोच? तो ये अभी घूम रहा है गिलास के अंदर, क्योंकि मैंने उसको गिलास में डाला है। देखिए आप, तो ये हाल है 5 स्टार होटल्स के आजकल। कहीं से भी कुछ भी चल के निकल सकता है। और ये नॉर्मल कॉकरोच नहीं है, अजीब सा कुछ क्रीपी सा है। एंड सी हाउ इट्स वॉकिंग, या कुछ अजीब सा ही है। और ये सामने उस कर्टन के ऊपर चल रहा था सामने, तो मैंने वहाँ से देखा और उसको मैंने वहाँ से पकड़ा है गिलास से। आई होप देर इज़ नो मोर कॉकरोचेज, बिकॉज होटल्स में भी, कसम से इतने अच्छे फाइन होटल्स में भी ऐसा सब कुछ होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अभी मुझे थोड़ा सा वही लग रहा है बार बार कि शायद मेरे बेड में या कहीं से कॉकरोच ना निकले, तो मैं थोड़ा डर गई। ओ गॉड, अभी मैंने स्टाफ को फ़ोन किया है नीचे होटल में, उनको ऊपर आने के लिए कि प्लीज़ कम एंड यू नो सी इट, बिकॉज वो पेस्ट कंट्रोल वगैरह करा सकते हैं एटलीस्ट अबाउट द होटल, तो कल को किसी और को ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। मैं अभी सोने वाली थी और मैंने ये देखा चलता हुआ, तो मुझे बड़ा क्रीपी फील हो रहा है। सो एनी वेज, लेट्स सी वट डू दे डू। एंड द कॉकरोच साहब तो आराम से अपना, देखिए, चल भाग रहे हैं अपना आराम से गिलास में। मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के इनको उठाया है। सो लेट्स सी वट डू दे डू।